अगली बड़ी खबर बिलासपुर से। बिलासपुर पहुंची है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। मंच पर सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अरुण साव, नारायण चंदेल, वो भी मंच पर मौजूद हैं। बड़ी खबर, बिलासपुर पहुंची है परिवर्तन यात्रा। बिलासपुर में ही परिवर्तन यात्रा का समापन होगा और उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे 30 तारीख को। मंच पर सांसद मनोज तिवारी मौजूद है, बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं, अरुण साव, नारायण चंदेल, बीजेपी के तमाम नेता। लोगों के मन में जन चेतना का भाव पैदा। अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, हम छत्तीसगढ़ के रहवासियों को अटल जी के एहसान को कभी भुलाना नहीं है। अटल जी के बारे में हम हर समय कहते हैं, यदि है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नया इतिहास की संरचना की, नया इतिहास बनाया छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके। हम सबको मालूम है कि जब 2018 के चुनाव के पहले इन्होंने झूठा जन घोषणा पत्र जारी किया, उस समय छत्तीसगढ़ के गांव गांव में, तखतपुर में, मुंगेरी के चौक चौराहे में होर्डिंग लगा, ये कांग्रेस ने लगाया था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज जनता कहती है कि वक्त है पछताव। और एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रेल मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब 10 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, 4 का रूट डायवर्ट कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है। 2 से 18 अक्टूबर तक ट्रेन रद्द रहेंगी। रेलवे लाइन में काम चल रहा है, इसके चलते ये ट्रेन रद्द है। अब तक कुल 28 ट्रेन रद्द हो चुकी है। दो से 18 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हैं, 4 का रूट बदला गया है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है। गुर्जर समाज के उपद्रव पर पुलिस को यह ज्ञापन दिया गया है। उपद्रव करने वालों पर रासुका लगाने की मांग की गई है। आरोपी सांसद और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपियों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्वालियर से बड़ी खबर। इंदौर में पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टिकट मुझे जरूर मिल गया है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरी तो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, मैं ये सोच रहा था कि मुझे बस चुनाव प्रचार करना है, भाषण देना है, निकल जाना है, लेकिन जब पार्टी ने टिकट दे दिया है तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इच्छा ही नहीं, एक जब 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी मैं एक बार फिर से उम्मीदवार। मेरा मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। पर अब ठीक है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। गांधी जयंती पर ग्वालियर में वो एक सभा कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को जबलपुर में एक बड़ी सभा हो सकती है। जबलपुर के जरिए महाकौशल साधने की तैयारी। ग्वालियर में 1 महीने में 2 बार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, कई प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा
प्रधानमंत्री का हो सकता है, लगातार इसकी कोशिश की जा रही है। गांधी जयंती पर ग्वालियर में, यानी 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन ग्वालियर में वो एक सभा कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को उनका जबलपुर का दौरा हो सकता है। लंबे अरसे से जबलपुर में इंतजार किया जा रहा है। ग्वालियर में 1 महीने में वो 2 बार आएंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब तक प्रधानमंत्री के दौरे जिस तरह से तय किए गए हैं, तकरीबन 90 से 94 विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव पड़ा है। अभी भी छतरपुर, जबलपुर, इन जगहों पर उनका इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच ग्वालियर चंबल अंचल पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, कई सौगातें मिल सकती हैं। और अब झाबुआ से मिल रही है बड़ी खबर। जमीन विवाद में पति पत्नी की पिटाई, दोनों घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। सरपंच और उसके साथियों पर आरोप है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में कई बार शिकायत की, ये जानकारी अभी मिल रही है। पिटोल चौकी के छोटी ढेकल का ये मामला है। पिटोल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इस तरह के आरोप है। दोनों घायलों को सरपंच और उसके साथियों ने, पति पत्नी को पीटा है, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिटोल पुलिस पर ये आरोप है कि वो कार्रवाई नहीं कर रही। झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, पति पत्नी जमीन विवाद में पति पत्नी को बेदम पीटा गया, दोनों की स्थिति खराब है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। झाबुआ का यह पूरा मामला, झाबुआ के पिटोल का, सरपंच और उसके साथियों पर मारपीट के आरोप है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पीड़ित पक्ष ने कई बार पुलिस से शिकायत की पिटोल चौकी में, लेकिन पिटोल पुलिस ने कार्रवाई की नहीं। पिटोल चौकी इलाका लगता है और छोटी ढेकल का यह मामला है। खबर रायपुर से, जहां एक नाबालिग से बेरहमी की गई, रात भर बंधक बनाकर इसे बेदम पीटा गया। हिस्ट्री शीटर बदमाश, टीपू गैंग का आतंक देख लीजिए। नारायण यादव की गुंडागर्दी सामने आई है। नाबालिग को बांधा गया, पीटा गया, वीडियो बनाया गया, पुलिस ने इस नाबालिग को बचाया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इससे पहले भी कई बार ये जो गैंग है, टीपू गैंग और नारायण यादव, इसकी गुंडागर्दी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। हिस्ट्री शीटर है ये, हिस्ट्री शीटर बदमाश टीपू गैंग। नाबालिग को रात भर बंधक बनाकर पीटा गया है। इसके चलते रहवासियों में, इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस ने ही नाबालिग को बचाया है। नाबालिग को बांधकर, रात भर बांधकर पीटा गया, टीपू गैंग का नारायण यादव, इसकी गुंडागर्दी और लगातार जारी है, पहली बार नहीं। टीपू गैंग ऐसा लगता है कि पैरेलल अपना एक अलग कानून चलाती है। पिटाई का वीडियो सामने आया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।